भागलपुर जिला के हबीबपुर थाना क्षेत्र के नवाब कॉलोनी एवं मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के हुसैनपुर में अज्ञात महिला ने जमकर उत्पात मचाया। वहीं हबीबपुर पंचायत के मुखिया इफ्तिखार उर्फ टिंकू एवं ग्रामीणों की माने तो आली सुबह से महिला ने नवाब कॉलोनी में घर के अंदर घुसकर छत के ऊपर से जमकर रोड़ाबाजी करना शुरू कर दिया। वहीं मुजाहिदपुर थाने क्षेत्र के हुसैनपुर में भी कई गाड़ी का शीशा फोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया है। दोनों क्षेत्रों में एक घंटा तक अज्ञात महिला ने जमकर उत्पात मचाया। वहीं क्षेत्र के कई लोग घायल होने से बचे। इस महिला से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ था। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने घटना की सूचना हबीबपुर थाना एवं मुजाहिदपुर थाना को दी। दोनों थाना के पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर उस अज्ञात महिला को मुजाहिदपुर थाने की पुलिस समझा बुझाकर अपने साथ थाना ले गई। वहीं महिला ने थाना में भी जमकर मचाया। मुजाहिदपुर थाने की पुलिस जांच शुरू कर दिया है। बीटी न्यूज बिहार के लिए भागलपुर से सुशील कुमार की रिपोर्ट। मुखिया जी, ये सुबह में जो है हमको फोन आया साहब का कि एक लेडीज जो है छत पर चढ़ गई है और ईटा पत्थर चला रही है। तो हम तुरंत जो है स्पॉट पर आए, आए करके देखे तो सही मानों में देखा कि तीन मंजिले पर चढ़ी हुई और पत्थर वगैरह चला रही है। बहुत रोकथाम करने का कोशिश किया गया, घर के लोग भी परेशान रहे। फिर जो है प्रशासन को फ़ोन किया, प्रशासन बोले कि हम आते हैं। आने के बाद जैसे तैसे उस औरत को समझा बुझा करके जो है नीचे उतारा गया, लेकिन वो लेडीज पता नहीं दिमागी संतुलन उसका सही है कि नहीं है, लेकिन ईटा पत्थर इतना चला रही है, गाड़ी तोड़ दी है, घर में जो है संगीनत पत्थर फेंकी है। समझ में नहीं आता क्या मामला है। किसी को नुकसान भी हुआ क्या? नुकसान वही पत्थर चला है तो कुछ एक दो मतलब हल्का फुल्का चोट लगा है। कोई रोड पर जब आई तो कादों में, चूंकि नाला वगैरह साफ हुआ तो कोई कादों में गिर गया, कोई इधर उधर जान बचाने के लिए अपना। हबीबपुर थाना की गाड़ी कितने देर के बाद आई? वही लगभग हमको लगता है कि 40 से 45 मिनट में थाने की गाड़ी। आप अपना परिचय देंगे? मैं मोहम्मद इफ्तिखार अहमद टिंकू, मुखिया हबीबपुर पंचायत। मेरा नाम अब्दुल हुआ। क्या मामला हुआ भाई? मामला, हम लोग सब घर में सोए हुए थे। अच्छा, ठीक है। अचानक से इनके घर से हल्ला हुआ कि कोई घुस गया, बचाओ बचाओ बचाओ। तो हमको लगा कि चोर घुस गया है, तो हम लोग जल्दी जल्दी उठे और छत की तरफ दौड़े। ठीक है, तो ऊपर जब छत पे चढ़े तो एक औरत चढ़ के और हमारे रेलिंग पे चढ़ के उधर कूदने का प्रयास कर रही। अब वो कैसे चढ़ी, अगर गेट में सबके ताला लगा हुआ, इनके गेट में मेरे गेट में, अब वो कैसे चढ़ी ये नहीं पता क्योंकि सब सोए हुए थे। लेकिन वो ऊपर से कूदने का प्रयास करिए, भाग गया मेरा तो उसका बाल पकड़ के उसको दांत काटने लगी। खाला गई हमारी, उसका भी दांत काटने, उसको भी बाल पकड़ के गला मचोड़ दी। ठीक है, तब हम गए उसको किसी तरह कंट्रोल किए। ठीक है, उसके बाद वो ईंटा उठा के चारों तरफ कंट्रोल करके समुच्चा ईंटा उठा के किसी को भी मारने के लिए दौड़ा रही है वो। ठीक है, तब उसको किसी तरह कंट्रोल करके उसको और नीचे उतरने को तैयार नहीं। कहती है क्या कि मेरा घर बेगूसराय है। और हम बोले पति का नाम बताओ, तो विपिन राय, हाँ विपिन राय पति का नाम है। ठीक है, बोलती है क्या कि हाँ तुम लोग मेरे को करोगे तो मेरी जो है बेटी पूरे में बम ब्लास्ट करवा देगी। ये घटना कै बजे थी? ये लगभग वही 6:30 बज रहा था। कहाँ आई थी? कहाँ आई थी वो? आई कहाँ थी ये नहीं पता, ये हमको नहीं मालूम। आपका घर कहाँ? मेरा घर नवाब कॉलोनी है। नवाब कॉलोनी में आई थी? हाँ। आप लोग फिर पुलिस को फोन किया? पुलिस को फोन किया, प्रशासन को फोन किया, मुखिया को बुलाया, मुखिया भी फोन किया, लेकिन हबीबपुर का पुलिस जो है वो आया नहीं है अभी तक, डिले कर दिया पूरा। ठीक है, और यहाँ से फिर बाद में थोड़ी देर के बाद यहाँ हुसैनपुर का आदमी लोग भी हम लोग के पास पूरा दौड़ता हुआ चला गया कि भाई यहाँ से भी पूरे गाड़ी का शीशा तीसा चूरते हुए गई है, कितने को मारते कुटते हुए गई है। कम उसने कम से कम 100 ईटा चलाया होगा, जो पूरे घर का बच्चा और ये एक एक आदमी नुक नुक के किसी तरह जान बचाया, सारा ईटा बिखरा हुआ है अभी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहब नाम है।